जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट एक्टिविज्म। दोस्तों इस मूर्ति को आप लोग देख लीजिए, ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया है, इसलिए अपोजिशन पार्टी इसे मेड इन चाइना भी कहती है, क्योंकि ये मूर्ति का जो सबसे डिफिकल्ट हिस्सा था वो डिफिकल्ट हिस्सा चाइना ने बनाया है, ना कि इंडिया ने बनाया है। L&T का भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, पर चाइना के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कोई नकार नहीं सकता, इसलिए इस मूर्ति को मेड इन चाइना भी कहा जाता है। दोस्तों रामानुजाचार्य की इस मूर्ति को भी देखिए, यह मूर्ति भी पूरी तौर से मेड इन चाइना मूर्ति है, जिसका हिस्सा बड़े तौर पर चाइना ने बनाया है। और दोस्तों हाल फिलहाल हमारे भारत सरकार ने सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ का निर्माण किया है हमारे नए पार्लियामेंट में, वो जो मूर्ति है वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जिसे इंडियन लोगों ने बनाया है, इंडियन आर्टिस्ट ने बनाया है, इंडियन मूर्तिकार ने बनाया है। वैसे तो ये तीनों मूर्तियां अलग अलग है, पर दोस्तों इसे परफेक्शन की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसी भी एंगल से देख लीजिए, उसके हाव भाव आपको बदले हुए नजर नहीं आते। वही रामानुजाचार्य की मूर्ति किसी भी एंगल से देख लीजिए, उसके भी हाव भाव आपको बदले हुए नजर नहीं आते। पर सुनील देवरे जी का कहना है कि जो अशोक स्तंभ बनाया गया है उसे नीचे से देखो, ऊपर से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, हर एंगल से उसके हाव भाव आपको बदले हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सुनील देवरे यहाँ पर सिर्फ बहाने बना रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि मुझसे गलती हुई है, या ये भी नहीं बता रहे कि मुझे इसी तरह की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जेन्युइन रहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कच्चा नींबू है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो चाइना के मूर्तिकार है उनका परफेक्शन देखिए, यहाँ पर भी उनका परफेक्शन देखिए, रामानुजाचार्य की उन्होंने मूर्ति बनाई, और जो हमारे भारतीय मूर्तिकार है जिनके सामने ऑलरेडी वो मूर्ति है उसको सिर्फ देख के एज इट इज बनाना है, पर वो भी उनको बनाने को नहीं आ रही है, और बनाने के बाद भी ये लोग बहाने मार रहे हैं कि नहीं नहीं इसे अलग एंगल से देखिए, फिर इसकी भाव चेंज हो जाएंगे। तो भारत के जो मूर्तिकार है वो चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पीछे है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार हमें ये भी नजर आता है कि जो आर्टिस्ट की पर्सनल फेथ होती है, पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है, या पर्सनल हैबिट्स होती है, उसकी झलक भी उसके आर्ट में हमें नजर आती है। दोस्तों वैसे क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा उतावले होते रहते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप गणपति की मूर्ति देखोगे तो आपको गणपति की मूर्ति कौन बनेगा, करोड़पति वाला गणपति, स्पाइडरमैन वाला गणपति, पेट्रोल भरता हुआ गणपति, क्रिकेट खेलने वाला गणपति, फुटबॉल खेलने वाला गणपति, पबजी वाला गणपति, बाइक चलाने वाला गणपति, साइकिल चलाने वाला गणपति, सेल्फी वाला गणपति, बाहुबली वाला गणपति, तो आपको ऐसे कई प्रकार के गणपति की मूर्ति का विद्रूपीकरण किया हुआ नजर आएगा। पर दोस्तों ये जो आर्टिस्ट होते हैं इनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इसका विद्रूपीकरण किया है, पर दोस्तों ये विद्रूपीकरण ही होता है जो इनके द्वारा किया जाता है। क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में ये लोग अपने ही ईश्वर का विद्रूपीकरण करते हैं, अपने ही ईश्वर का अपमान करते हैं। पर दोस्तों इस बार अपमान भारतीय प्रतीक का हुआ है, सम्राट अशोक स्तंभ में जो शेर है उनके हावभाव को चेंज करके इन्होंने उसका विद्रूपीकरण किया है, उस प्रतीक चिन्ह का अपमान किया है। और इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको तो ये पूछना चाहिए कि ये बनाने में आपको कितना वक्त लगा, कैसे आपने बनाया। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है, जब ये लोग अपने ईश्वर का अपमान करते हैं, ईश्वर का विद्रूपीकरण करते हैं, तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमने तो कुछ क्रिएटिव चीज की है। वैसे ही इन लोग को यहाँ पे भी फील हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अगर ये विद्रूपीकरण सरकार निर्मित है, अगर ये अपमान सरकार निर्मित है, और सरकार सोच रही है कि आने वाले समय में हम फ्यूचर में हिंदुओं को बताएंगे कि हमने ये जो शेर है सम्राट अशोक का, यहाँ पर जानबूझकर हमने दुर्गा का शेर लाया, और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये रिकॉर्ड कीपिंग का दौर है, ऑडियो का रिकॉर्ड है, यहाँ पर वीडियो का रिकॉर्ड है। आप लोगों पर पहले ही आरोप लग चुका है कि आप लोग हमेशा से दूसरों का कल्चर हड़प करते आए हो, दूसरों की विरासत हड़प करते आए हो। जिस प्रकार बुद्धिस्ट केव में आप लोगों ने हर बुद्धिस्ट केव में एक आपका ईश्वर बिठा दिया और उस पर अतिक्रमण कर दिया, तो दोस्तों ये हम लोग हमारे जनरेशन को बता सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार विद्रूपीकरण करते थे, किस प्रकार अतिक्रमण करते थे, और किस प्रकार हमारी संस्कृति को हड़प करने की कोशिश इन लोगों ने की है, और इसका एग्जाम्पल सम्राट अशोक का ये अशोक स्तंभ रहेगा। तो जो चीज आप लोग सोच रहे हो वो चीज में आप लोग कभी भी सक्सेसफुल तो नहीं होने वाले है, ये बात तो आपको समझनी होगी। इस रिकॉर्ड कीपिंग के दौर में आप लोग एक्सपोज होने वाले हो, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के इतने रिकॉर्ड बन चुके हैं कि आने वाले जनरेशन आप पर हंसेगी, और आपके लोग सवाल खड़े करेंगे कि उस जनरेशन के लोग क्या पागल थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार यूटर्न मारा जाता था। तब उनको हमारे जनरेशन के बच्चे बताएंगे कि भाई जिनको तुम बेवकूफ कह रहे हो वो बेवकूफ आपके ही माता पिता थे। तो इस तरह की बातें होने वाली है और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।